फ्रेंड्स, मैं सोहम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेड आइज, मतलब आंखों का लाल हो जाना। और क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है और हम लोग इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। पहले तो आएंगे कि रेड आइज होता क्या है। रेड आई एक कंडीशन है जहां पे क्या होता है, ये जो व्हाइट पोर्शन है आप लोग देख ही पा रहे हैं, इस व्हाइट पोर्शन को हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, जो के लाल हो जाता है। और कभी कभी लगता है कि लाल है, कभी कभी लगता है कुछ ब्लड या कुछ ऐसे कुछ अपीयरेंस हो जाता है। जो रेड आई का जो अपीयरेंस है ये बहुत तरीके का हो सकता है। ये कभी कभी लगता है कि कुछ ब्लड वेसल्स स्विंगिंगली इधर उधर जा चुका है और ओल है, रेड है। और कभी कभी ये जो एंटायर स्क्लेरा है ये डिफ्यूजली पिंक और रेड कलर का हो जाता है। रेड आइज जो है ये एक आंख या दोनों आंखों में हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या है। और रेड आई होने के सिम्टम्स क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ कि इरिटेशन फर्स्ट, सेकंड बर्निंग या मतलब जलन सी फीलिंग्स होना, इचिंग या खुजलाना, ड्राइनेस मतलब ड्राई फील होना, आंख में कुछ पानी नहीं है ऐसा फील होना, पेन, डिस्चार्ज या आंखों से कीची वगैरह कुछ निकलना, वाटरी आइज, सेंसिटिविटी टू लाइट मतलब आपको धूप में या ज्यादा लाइट में दिखने के प्रॉब्लम होने जाना, और ब्लरी विजन आपका विजन धुंधला हो जाना। कभी कभी हम लोगों ने सडन एक एरिया पे ब्लड शॉर्ट मतलब हेमरेज टाइप के देखते हैं, और कभी कभी इसके कुछ सिम्टम्स भी नहीं होता है सिवाय रेडनेस के। रेड आइज और ये जो ब्लड शॉर्ट मतलब हेमरेज टाइप का देखना, ये दोनों में बहुत कॉमन है और इसका बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। रेड आई का जो यूजुअली सिम्टम्स है ये कुछ ज्यादातर अलग कुछ आई कंडीशंस को ही हम लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, और वो हल्का भी हो सकता है और बहुत सीरियस भी हो सकता है। तो किस कारण से हम लोगों को रेड आईज होता है, ये जो अपीयरेंस होता है रेड आई का, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो व्हाइट पोर्शन है ना, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, कुछ कुछ ब्लड वेसल्स को तो हम देख पाते हैं, कुछ कुछ ब्लड वेसल्स को इतना तेनी होता है कि हम उनको देख नहीं पाते। और ये जो ब्लड वेसल्स है एक्चुअली सोचे कि ये स्क्लेरा है, इसके ऊपर कंजंक्टिवा रहता है जिस जो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसके वजह से हम लोग स्क्लेरा को देख पाते हैं, कंजंक्टिवा को देख नहीं पाते। तो ये यहाँ पे जो टीनी ब्लड वेसल्स है ये कुछ भी कारण से सोलेन हो सकता है, और सोलेन मतलब सोलेन हो सकते हैं, कुछ इम्प्लेंट हो सकते हैं, और ये कोई भी कारण से, ये एनवायरमेंटल या लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई रीजन हो और कोई आई प्रॉब्लम से भी ये ऐसा हो सकता है। रेड आई ज्यादातर देखा गया कि एलर्जी, आई फैटिक, ओवर वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंस मतलब कॉन्टैक्ट लेंस आपको जितना समय पहनना है उससे ज्यादा समय पहन रहे हैं, और कोई कॉमनली आई इन्फेक्शन जैसे कंजंक्टिवाइटिस। हाउएवर रेडनेस कभी कभी हम लोगों को कुछ सीरियस आई कंडीशन के बारे में भी बताता है, जैसे यूवीआईटीज और ग्लॉकोमा, जिससे कि ना हम लोग ब्लाइंड भी हो सकते हैं अगर हम लोग ठीक टाइम पे दिखाया नहीं है। सो पहले हम लोग आएंगे कि एनवायरमेंटल मतलब हम लोग जो जहां पे रहते हैं ये हम लोगों को आंख में कैसे रेड या ब्लड शॉर्ट को कर सकते हैं। पहले तो आएंगे एयरबोर्न एलर्जेंस मतलब धूप मतलब घर में हम लोग बैठे हैं या बाहर गए हैं, धूप मतलब वहां पे जो आई एलर्जेंस घूम हुए हैं कुछ पॉल्यूटेड मेटेरियल्स, उसी से हम लोगों को हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, स्मोक मतलब आप फायर रिलेटेड कुछ सोच सकते हैं, या कोई स्मोक कर रहा है उससे धुआं से भी हो सकते हैं, कोई मतलब ऊन वगैरह कुछ कर रहा है उसी से भी हो सकता है, कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है उसी से भी हो सकता है। ड्राई एयर मतलब यहाँ पर सोचिए कि कहीं कहीं जगह पे एयर ड्राई हो जाता है तो क्या होता है, आंखों के पानी जो होता है वो बाहर की तरफ ज्यादा एवोपरेट हो सकता है, उसके कारण से हो सकता है। या कभी कभी आप ऐसे कुछ केबिन में है, रूम में हो, जहाँ तो बहुत ही कूल एसी चल रहा है, एसी क्या करते हैं कि ह्यूमिडिटी कम कर देते हैं, इसके वजह से हो सकता है, डस्ट से भी हो सकते हैं, एयरबोर्न फ्यूम्स मतलब गैसोलीन या कोई भी सॉल्वेंट्स जो फ्यूम्स होता है उसके वजह से हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर लाइक क्लोरीन, जब हम लोग स्विमिंग करने जाते हैं तो वहां पे केमिकल दिया जाता है पानी को साफ करने के लिए, उसी से भी रेड आइज हो सकते हैं। और एक हो सकता है कि ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट मतलब हम लोग जब बाहर रहते हैं कभी कभी हम लोग सनग्लास वगैरह कुछ स्पेक्टेकल यूज नहीं करते हैं, और उस टाइम मतलब सूरज से जो रश्मि आता है, यूवी रेज जो रहता है
उसके वजह से भी हम लोगों को रेडाइज हो सकता है। अभी हम लोग आएंगे कुछ कॉमन कंडीशंस जो कि ना जो क्या रेडाइज कर सकते हैं और ये आंख के खुद के प्रॉब्लम है। पहले तो ड्राई आईज, उसके बाद आएंगे हम आई एलर्जीज, पिंक आई और कंजंक्टिवाइटिस, कॉन्टैक्ट लेंस ज्यादा पहनना या ठीक तरीके से ना पहनना या उसको हाइजीन मेंटेन ना करना, और डिजिटल आईस्ट्रेन मतलब ज्यादातर कंप्यूटर मोबाइल या ऐसे कुछ डिजिटल डिवाइस में टाइम बिताना। कुछ सीरियस कंडीशंस भी हो सकते हैं जिससे के रेड आई हो सकता है। एक तो आई इन्फेक्शन हो सकता है, आई ट्रॉमा और इंजरी हो सकता है, रिसेंट कोई आई सर्जरी मतलब लसिक हो या कोई कॉस्मेटिक आई सर्जरी हो, यूवेटिस और आईराइटिस नाम का कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है आँख में, कोई अकाउंट इन्फेक्शन और कॉर्निया अल्सर से भी आपको रेड आईज हो सकता है। लाइफस्टाइल का कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो लोग स्मोकिंग सिगरेट या मरीजुआना या गांजा वगैरह कुछ लेते हैं उन लोगों को आईज रेड रहता है, और कभी कभी आप लोगों ने देखा है ज्यादातर अल्कोहल कंजम्पशन के बाद भी आंख लाल हो जाता है, और कुछ कुछ हम लोग क्या करते हैं डिजिटल डिवाइस ज्यादा यूज करते उसके वजह से हो सकता है, और अगर हम लोगों ने ज्यादातर ठीक ठाक सो नहीं पाए उसके रिलेटेड लाइफस्टाइल रिलेटेड रेडनेस भी आ सकता है। सो अभी हम लोग आएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से रेड आई से बाहर जा सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो सुना या देखा होगा तो आप लोगों का मालूम है कि रेड आई होने के बहुत सारे कारण है, तो किस कारण से आपको हो रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हुआ है तो ठीक है आप एक दिन वेट कर सकते हैं, अगर एनवायरमेंटल इशू है वो अगर चले जाते हैं तो आपको खुद बेखुद ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर आपको ठीक नहीं हो रहा और प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है तो मतलब आपको कुछ खराब भी हो सकते हैं, कुछ अलग कुछ कंडीशन है इसके वजह से आपको रेड आईज हो रहा है। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि रेड आईज और आंख का लाल हो जाना मतलब आंख कुछ चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं सलाह दूंगा कि आंख लाल हो ये बेटर है कि आप जाइए आसपास कोई ना कोई आई स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली दिखाएं। कभी कभी हम लोगों ने देखा है बहुत सारे पेशेंट रेड आई रिमूवर मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर टाइप कुछ ड्रॉप यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उसका जो डायलिटेशन हो जाता था ब्लड वेसल्स का वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो रेडनेस कम हो जाता है, मगर ये ठीक नहीं है क्योंकि आप वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके आपका जो रेड अपीयरेंस आई का अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, उसको थोड़ा व्हाइट कर सकते हो, मगर अगर आप नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली कौन से कारण के लिए आपका आंख लाल हुआ है तो आपको ये जॉब लगातार ही देना है, मगर आप तो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर रहे तो इतने एक इतना दिन तक चलता जाएगा और इसी से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो कभी ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसे कोई जगह पे हो जहाँ पे डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी दुकान से कोई आर्टिफिशियल टीयर्स सब्स्टिट्यूट कुछ ड्रॉप्स ले सकते हो और उसके बाद उसको यूज कीजिए, उसी से यूज करने के बाद अगर कुछ रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत डॉक्टर के दिखा लीजिए। और एक चीज जो बताएंगे कि जब आपका आंख लाल हो गया आंख में डायरेक्टली पानी मत दीजिए, आप जो कर सकते हैं घर में आके थोड़ा रुई में मतलब बाउल में थोड़ा पानी और रुई डालिए उसको उबालिए, उसके बाद ठंडा कीजिए हल्का सा गर्म ठंडा, उसे निचोड़ के ऊपर का लीड्स नीचे का लीड्स आई लैसेस और ये मर्जिन जो है इसको ठीक तरीके से साफ कीजिए, और अगर आप बाहर जाते हैं धूप में धूल में ऐसा कुछ गर्मी के वेदर में तो आपको जो करना है कि आपको हर वक्त एक यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लास या चश्मा पहन के ही बाहर जाना है, खाली आंख इतना धूप में बाहर मत जाइए इसी से आपको बहुत नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज इतना ही, शायद मैं आप लोगों का रेड आईज का बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था इसकी वजह से मैंने ये किया, अगर शायद आपको इस रेड आई के बारे में जानकारी मिल गया है। एक ही चीज बताऊंगा कभी ऐसा हो गया घर में बैठे रहकर रिसर्च मत कीजिए, जाइए कोई ना कोई आई स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही, सब लोग सुस्त रहिए, सुस्त रखिए, नमस्ते बाय।